देखिए, अगर आपके सैमसंग के कीपैड वाले फ़ोन इस तरीके के फ़ोन में अगर आउटगोइंग कॉल्स नहीं लग रही हैं, या आप किसी को कॉल कर रहे हैं वो जा नहीं रही है, लग नहीं रही है, तो क्या प्रॉब्लम है, उसे कैसे सही कर सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखते रहिए। देखिए, सबसे पहले आप मेन्यू में इस बटन से आ जाइए, उसके बाद यहाँ पर सेटिंग्स पे चले जाइए। अब आपको यहाँ पर एप्लीकेशन दिख, पहले सबसे ऊपर आप ऐसा जाएंगे तो आपको प्रोफाइल नज़र आएगा, नीचे करना है और एप्लीकेशन में आ जाना है। फिर यहाँ पर नंबर 1 पर ही आपको कॉल दिख जाएगा, तो इसे ओपन कर लेना है। यहाँ पर सेकंड नंबर पर वॉइस कॉल्स हैं, इसे ओपन कर लीजिए। अब आपको यहाँ पर दूसरे नंबर पर ही दिख जाएगा कॉल बैरिंग, तो इसे ओपन कर लेना है। और यहाँ पर सबसे ऊपर आपको दिखता है आउटगोइंग कॉल्स, तो आउटगोइंग कॉल्स को ओपन कर लीजिए। यहाँ पर चेक होगा स्टेटस, और यहाँ पर देखिए इनएक्टिव है, मतलब एक्टिव नहीं है। लेकिन अगर आपने इसे एक्टिवेटेड करके रखा है, एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पर आपको कोई भी 4 वर्ड डालने होते हैं पासवर्ड के लिए, और ऑप्शन पर क्लिक कर ओके एक्टिवेट कर देना होता है, तो यहाँ पर ये एक्टिवेट हो जाता है। तो आप इसे डीएक्टिवेट रखिए, ठीक है, ये एक्टिवेट नहीं होना चाहिए, यहाँ पर आपको डीएक्टिवेट ही रखना है, नहीं तो ये आपको कोई भी आउटगोइंग कॉल्स नहीं लगेगी, ठीक है। अगर ये करने के बाद भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, कॉल नहीं लगता है, तो यहाँ पर आपको सेकंड मेथड फॉलो करना है। मेन्यू में जाना है, फिर आपको यहाँ पर सेटिंग्स में जाना है। यहाँ पर इसी तरीके से जैसे प्रोफाइल है, तो आपको बिल्कुल नीचे आ जाना है। आपको यहाँ पर एंड में दिखाई देगा बिल्कुल नीचे रीसेट, इस पर क्लिक करना है। सिर्फ आपको यहाँ पर पहले नंबर पर रीसेट सेटिंग्स पे क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए लिखा भी हुआ है, आपका कोई भी डेटा डिलीट नहीं होगा, आपके कॉन्टैक्ट्स नंबर्स कुछ भी डिलीट नहीं होंगे, बस आपकी जो भी गलत सेटिंग्स होगी वो यहाँ से रीसेट हो जाएगी। तो आप यहाँ से इस पर क्लिक कर दीजिए और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मैं नहीं कर रहा हूँ, बट आप कर दीजिएगा, ठीक है। तो अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है तो आप कमेंट में बताइए, मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूंगा। वीडियो पसंद आई हो तो टेक्स्टोर को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।